कितना अच्छा होता ना। कॉलेज के पहले दिन ही उसने मुझे उस गुंडे से बचाया और आज मॉर्निंग में उसने कितना अच्छा वायलिन बजाया था। और उसे प्लांट्स के बारे में कितनी नॉलेज है। विकी पढ़ाई और म्यूजिक दोनों में ही अच्छा है। कितना अच्छा है ना वो, बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों विकी के बारे में सोचे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे पता नहीं था कि मैं विकी के बारे में इतना सोचने लगूंगी। मुझे तो बस उसके ही ख्याल आ रहे हैं। विकी तुम छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मुझे। जा जा, देखता हूँ कहाँ तक भाग के जाती है। Hey! Hey! Hey!
रुक जा, मैं कहता रुक। ओए ओए ओए, जितना भागना है भाग ले। ओए आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। ओए ओए रुक। ओए ओए चल मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुझे जितना भागना है भाग, पर बचेगी नहीं। ए, चले जाओ यहाँ से। ओए तेरी इतनी हिम्मत नहीं होना, चले जाओ। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, चप्पल से मारूंगी तुम्हें। चले जाओ, चले जाओ। मुझे मारेगी, चप्पल से मारेगी। ओए पास मत आना। चप्पल से मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बोलो, मत करो, मत करो, मत करो। चिल्ला मत, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज। चिल्लाए जा रही है, चिल्लाए जा रही है। विकी, शांत हो जाओ। विकी, देख विकी, देख विजय, मैं तुझे पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन तुमने वही गलती दोबारा रिपीट की है। वो मेरी है, मुझे ये चाहिए तो बस चाहिए। ए, इसे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? व्हाट, जाओ यहाँ से। ए विकी, देख विकी, कॉलेज के पहले दिन से तू मेरे रास्ते में कांटा बनकर घूम रहा है, तू ये ठीक नहीं है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? छोड़ूंगा नहीं। चल निकल। चलो कम से कम आज की क्लास तो अच्छी गई। हाँ हाँ सही कहा तूने एकदम। हाँ सही कहा, हाँ सही कहा। हेलो एक्सक्यूज मी, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। मैं ना तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करता हूँ। देखो अपना मुंह बंद करो और क्लास में जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन यार तुम बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती हो और तुम्हारे वार्म अप करने का स्टाइल वाह 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 रे वाह रे वाह। क्यों, सही कहा ना? हाँ गुरु एकदम। तुम्हें वार्म अप करते देखते हुए मेरे शरीर में शोले फड़कने लगते हैं। बम। ए लोफर, तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? आती है ना, पर इसमें गलत क्या है बताओ मुझे? जब तुम वो बॉल को बास्केट में डालती हो ना, तब तुम्हारी वो बॉल और बास्केट दोनों तुम्हारी खूबसूरती को देख के एंजॉय करते हैं, इसीलिए तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत ही खुशी मिलती है। सही कहा ना भाई? हाँ हाँ गुरु, हाँ। वैसे अरे वाह क्या थप्पड़ मारा। सही कहा। ए सुनो, आज तुम मेरे ऊपर हंस रही हो ना, एक दिन वो आएगा तुम्हारी ये बॉल मेरी बास्केट में होगी, समझी? इस बात को याद रखना। क्यों बे? हे विजय, कॉलेज की लड़कियों को ऐसे छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती है क्या? एक बात याद रखना, ये विकी की वार्निंग है और ये लास्ट वार्निंग है। देख विजय, अगर तूने दोबारा लड़कियों को छेड़ने की कोशिश भी की ना तो क्या करेगा तू? हाँ हाँ क्या करेगा तू, बोल ना, बोल। चलो गुरु। विकी एक मिनट यहाँ आना। हाँ जी सर, यहाँ क्या बात है सर? नेक्स्ट वीक हम बोटानिकल ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ओके सर। और मैं उस ट्रिप की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। या श्योर सर। तुम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना। हाँ ओके ना। ओके सर, मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ सर। मैं तुम लोगों का क्लासरूम में वेट करूंगा। गुड मॉर्निंग। ओके सर, गुड मॉर्निंग। ओके ओके सर, थैंक यू सर।
हाय फ्रेंड्स। हाय रिंकी। मैं तुम लोग का कीमती समय ले सकता हूँ क्या? मेरी अभी बॉटनी के लेक्चरर से बात हुई है, उन्होंने बॉटनिकल ट्रिप के लिए कहा है। सो नेक्स्ट वीक हमें निकलना है, तो जिसको चलना है वो हाथ उठाए। मैं भी साथ चलूंगी। मैं भी चलूंगा। और हाँ, इसका उसका फुल इंचार्ज मैं रहूंगा। विजय, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, और वो भी कॉलेज कैंपस में। जरा इसके तेवर तो समझ गया ना भाई। अब अकल आएगी इसको। अगर मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं होती तो मैं अभी आराम से 2-3 चपाती और खा लेता। अच्छा विजय कहाँ है? मॉर्निंग डैड, मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। क्यों भाई, कहीं जा रहे हो क्या? वो क्या ना डैड, हम कॉलेज की तरफ से बॉटनिकल ट्रिप पर जा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट बस से जा रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कार से चला जाऊँ। बस इतना ही। वैसे तुम उनके साथ जाते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन डैड, मैं तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ, तू बहुत जिद्दी है। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। क्या तुझे कुछ पैसे चाहिए? लक्ष्मी, विजय को कुछ पैसे दे दो। डैड, इस पूरी दुनिया में एक आप ही ऐसे इंसान हो जो मुझे समझते हो। थैंक यू डैड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, चलता हूँ लक्ष्मी। ठीक है जी, बाय डैड। हेलो, शंकर हियर, AMC कॉलेज प्रिंसिपल स्पीकिंग। नमस्कार सर, क्या बात है, कैसे हैं आप, कैसे याद किया? कुछ नहीं, मैं आपके बेटे विजय के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके बारे में बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया। आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कैसे हैं। मैं तो हमेशा बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन ट्रिप्स में ही बिजी रहता हूँ। और उसकी माँ ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है, क्योंकि वो हमारा इकलौता बेटा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। ओके, आपकी बात भी सही है, लेकिन आपका बेटा आपका नाम खराब कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने इस बारे में इतना सोचा। मैं बात करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। मैं उसे बस आपकी वजह से माफ कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, वैसे आपसे मिले काफी वक्त हो गया है, फ्री होकर मैं आपको फोन करूंगा, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बाय। मैडम देखो ना कितना अच्छा वायलिन बजा रहा है। कमाल का है ना, एकदम सही। बॉयज, क्लास रूम में मैंने तुम्हें जितने भी प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था वो सारे प्लांट्स यहाँ पर हैं। देखो यहाँ चारों तरफ है, और तुम सब अच्छे से उसे ऑब्जर्व करो। ओके बॉयज, इस तरफ चलो। ओके चलो उधर। विक्की, मैंने तुम्हें पर्टिकुलर प्लांट बताया था ना, पता है वो कहाँ है? ये है वो प्लांट। वो वाला तो देख। अच्छा, ए रेखा इधर आना, ये वाला देखना अच्छा है। ठीक है ठीक है। ये देख,
ये मेडिसिंस बनाने में बहुत यूज होता है। अच्छा विकी, सच में विकी? क्या बात है, अब विकी बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। इसका सैंपल ले लेते हैं लैब टेस्ट करने के लिए। हाँ ले चलो ले चलो। विद्या जरा ये तो देख। हाँ कौन सा? अरे ये तो देख। हाँ देख रही हूँ, देखना कितना छोटा और प्यारा सा प्लांट है ये। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सही कहा। अरे देखना भाई, लास्ट टाइम लैब में हमने हरी और येलो लीव्स देखी थी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए, इसे देखो तो, रेड फ्लावर्स, ये कितने अच्छे हैं ना। हाँ यार ये तो सुपर प्लांट्स हैं। कोई एक तोड़ लेते हैं ना। हाँ हाँ बस एक मिनट। ये देखना। ओह ये कितना क्यूट है। तुझे पता है ये प्लांट कौन सा है? कौन सा ही? एक काम करते हैं, इसे लैब में ले। हाँ बिल्कुल। ये प्लांट बहुत ही रेयरली है। अच्छा, इसे डायबिटीज में यूज करते हैं। अरे यार मेरे पापा को भी डायबिटीज है। तू ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं, पक्का ना? ये वाला देखते हैं। क्या तुझे ये और चाहिए? नहीं बस यही काफी है, हो गया। अच्छा तो फिर ठीक है। क्या यार तू कहाँ खोई हुई है? चलो सर को दिखा। हाँ ठीक है। हाँ चलो आ जाओ, आओ चलो चलते हैं। ठीक है आ जाओ। हाँ चलो। सर ये प्लांट जो आपने बताया। बोलो। अच्छा तुम्हें मिल गया ये प्लांट? मैं देख रही हूँ सबके पास एक एक प्लांट है। ये प्लांट तुमने इन्हें अच्छे से चेक तो किया? वेरी गुड जी सर। देखिए ना मैम ये देखो प्लांट, तुम लोग भी प्लांट लाई हो क्या? ये बहुत अच्छा है, ये वाला देखो। तुम्हारा प्लांट भी काफी करेक्ट है। गुंडे से बचाया और आज मॉर्निंग में उसने कितना अच्छा वायलिन बजाया था। और उसे प्लांट्स के बारे में कितनी नॉलेज है। विकी पढ़ाई और म्यूजिक दोनों में ही अच्छा है। कितना अच्छा है ना वो, बहुत अच्छा है। बारे में सोचे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे पता नहीं था कि मैं विकी के बारे में इतना सोचने लगूंगी। मुझे तो बस उसके ही ख्याल आ रहे हैं। देखता हूँ कहाँ तक भाग के जाती है।
जितना भागना है भाग ले। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। ओए रुक। चल मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुझे जितना भागना है भाग, पर बचेगी नहीं। ए, चले जाओ यहाँ से। ओए, तेरी इतनी हिम्मत नहीं होना, चले जाओ। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, चप्पल से मारूंगी तुम्हें। चले जाओ, चले जाओ। मुझे मारेगी, चप्पल से मारेगी। पास मत आना। मुझे चप्पल से मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। चिल्ला मत, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज। चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है। विकी, शांत हो जाओ। विकी, देख विकी। देख विजय, मैं तुझे पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन तुमने वही गलती दोबारा रिपीट की है। वो मेरी है, मुझे ये चाहिए तो बस चाहिए। ए, इसे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हट, चल जाओ यहाँ से। ए विकी, देख विकी, कॉलेज के पहले दिन से तू मेरे रास्ते में कांटा बन कर घूम रहा है। तू ये ठीक नहीं है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? छोड़ूंगा नहीं। चल निकल। विद्या उठो, रो मत विद्या, कुछ नहीं होगा। प्लीज मैं हूं ना, प्लीज रो मत। इधर देखो, इधर तो देखो। अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, जो हुआ वो भूल जाओ, ठीक है ना? रो मत। हाँ, विकी, हर बार मेरी मदद करने तुम कैसे आ जाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी है उसके लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू विकी, मेरी इस खुशी की वजह बस तुम हो। वंस अगेन थैंक यू। Hmm.
अब इधर आओ। मैं आऊं? हाँ, तुझे बुला रहा हूँ। क्या है? तुम्हारा बॉस मेरा अकाउंट कब खोलने वाला है? मैं पार्टी कैसे करूंगा? मेरे बॉस ने पहले ही अकाउंट खोल दिया है। वो इस मामले में बहुत फास्ट है। कैसे खोला? हाँ? अरे कैसे क्या, पैसे से। अरे यार, मैं उस अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ लॉन्ग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। वो पहले 55 साल का हो गया है। इस गधे को मेरी उम्र की पड़ी हुई है। अरे जाओ और उसका अकाउंट खुलवाओ, और जाओ मेरे लिए 90 लेकर आओ। जाओ 90 लेकर आओ। बस एक 90 देना, मैं उसका बिल बना के उसे जल्दी भगाता हूँ। ये लो, उसे देकर दफा करो। हाँ ठीक है। ये लो। हाँ ये रहा तुम्हारा बिल। ये क्या कर रहा है? ये रहा तुम्हारा बिल। कितना बिल है? कितना है? दिखता नहीं क्या? ये लो, पैसा काट लो और चिल्लर रख लेना। अरे जाओ यहाँ से। बेकारी कहीं के। ये लो पैसे बॉस। अरे क्या हो गया, बंदर की तरह चेहरा लटका रखा है। वैसे उसने कहा तो सही ही था। क्या सही कहा? अरे तुमने अपनी पूरी जिंदगी पैसा पैसा करके अपने सारे बाल गंवा दिए, इसलिए अब ये बर्बाद नहीं होने चाहिए। तुम शादी कर लो बॉस। बॉस, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। क्या? तुम्हारी समस्या के लिए मैं किसी को बुलाता हूँ। इसके लिए वो अकेला ही काफी है। कौन है वो? तुम देख के जाओ, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। ओके कर लो। अरे जरा अपना फोन देना बॉस। एक फोन कर लो। भाई जरा एक मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई तुमको याद है ना, मैंने तुम्हें किसके बारे में बताया था? हाँ मेरा बॉस यही है, जल्दी आ जाओ। इस साल कावेरी ग्रामीण विकास बैंक के चुनाव में आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, राजीव गोड़ा और रामे गोड़ा के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। मैं तो अपना वोट रामे गोड़ा को ही दूंगा। रामे गोड़ा की जय। रामे गोड़ा की जय। रामे गोड़ा की जय। रामे गोड़ा की जय। जीतेगा भाई, जीतेगा। रामे गोड़ा जीतेगा। जरूर जीतेगा। हाँ वही जीतेगा, देख लेना तुम। इस बार के बैंक के चुनाव में अध्यक्ष के तौर पर रामे गौड़ा को चुना गया है, इसलिए हमने इनका अभिनंदन करने के लिए ये समारोह रखा है। इसलिए मैं रामे गौड़ा से कुछ शब्द बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष पद जो मैंने लिया है वो मैंने नहीं लिया, बल्कि ये आप लोग का स्नेह है कि मुझे अध्यक्ष बनाया। तो अब इसलिए मैं वादा करता हूँ कि बैंक के विकास के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, और इसके लिए मुझे आप सबका बहुत आशीर्वाद चाहिए होगा। आपसे आशा करता हूं। धन्यवाद। इतने सालों से वही तो अध्यक्ष थे, लेकिन अब मैं बन गया हूं। देखो मेरा भाई इतना बुरा नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं, बल्कि आपके अध्यक्ष बनने से तो मेरे भाई को बहुत खुशी हुई होगी। हाँ वो बहुत खुश होगा।
अब ये भगवान ही जाने की खुशी मिली है या गम। रामे गोड़ा, अरे रे 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 रे, ये क्या कर लिया आपने? हे भगवान, ये तो आपने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। कितना खून बह रहा है, शांत हो जाइए। आपको अपने गुस्से को इस तरह ग्लास पर नहीं दिखाना चाहिए। देखिए ना, आपके हाथ में चोट लग गई। आपको नुकसान तो उसे पहुंचाना चाहिए जो आपके खिलाफ जीत गया। तेरे कहने का क्या मतलब है काशी? मालिक, आपकी बहन का पति कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा बदमाश है, और इसका गवाह मैं खुद ही हूं। तू गवाह है? क्या किया है उसने? अब मैं क्या बताऊं? ए, जो तूने गुड़वा से 50,000 रुपए चुराए वो कहाँ है? बोल बता। नहीं सर, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। आपको जितना मारना है मुझे मार लीजिए, मैं बस यही कहता रहूंगा। ए, मेरे सामने जुबान मत चला। चल बता, मारो इसे। बता। रामे घोड़ा के ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाता है, तुझे तो मैं बताता हूँ। ए, मारो। आप मुझे मारते रहो, भले मैं शांति से मर जाऊं, लेकिन मैं बोलूंगा पैसे नहीं चुराए। उसने मुझ पर 50,000 रुपए चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, पुलिस के हाथों पिटवा कर अधमरा करवा दिया, और वो अच्छा आदमी होने का नाटक करता है, लेकिन वो ना अंदर से बहुत बड़ा पाखंडी है। और तो और उसने आपका नाम भी खराब किया, सारे वोट अपने कर लिए। उसे हराने के लिए हमें कुछ करना ही होगा, और इसके लिए आपको बस ये करना है कि इतना धुआं कहां से आ रहा है? ये धुआं नहीं है बस, हवा है, हवा। ये कौन है यार, इतना ज्यादा बिल्डअप दे रहा है? अरे ये बात तो वही बताएगा। शिवाजी नगर में मुझे शराबी कहते हैं, कलासी पल्ल्या में पियक्कड़ कहते हैं, कोर मंगल में मुझे क्वार्टर कहते हैं, कॉटन पेट्टे में कबाब में हड्डी कहते हैं, मंडिया में मुझे मामू कहते हैं। अब बताओ मंडिया के इस बार में मुझे क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे? बिना काम का नालायक बेवड़ा कहेंगे। है, किसने कहा ये? बताओ किसने कहा ये मुझसे? मैंने, इस बार के मालिक ने कहा। अरे तेरी तो। अरे वो जो भी है मेरे सामने आ रहे। इस बार का मालिक मैं हूँ, देख ले। जब तक मैं यहाँ नहीं था तब तक ये बार तेरा था, अब मेरे यहाँ आने पर ये बार मेरा है, मेरा है, मेरा है। मेरे बार को अपना बार कह रहा है तू? तो यहाँ से जा, नहीं तो। अरे
बॉस 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 रुक जाओ बॉस, मेरी बात सुनो। ये वही है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना भाई, मेरे बॉस यही है। हाँ तो अरे पहले नहीं बता सकता था। हेलो हेलो, बैठिए बैठिए, चलो आने दे। ए साफ कर साफ कर, बैठिए बैठिए। मैंने आपको पहचाना नहीं था। अरे कोई बात नहीं, गलती हो गई। अरे कोई नहीं कोई नहीं। ए, जल्दी लेकर आओ। हाँ बॉस, बस लाया। अरे जल्दी लाना। अरे ले आया। ये लो भाई, ग्लास का तो पता नहीं लेकिन इसमें ये पैग मेरा है। हाँ आपका, ये पीजिए पीजिए। अब सुनो, अगर तुमने मेरी कंडीशन मानी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके ना? हाँ ओके ओके। तुमने मुझे एक छोटा सा पेग ला कर दिया। जाओ फुल बोतल लेकर आओ। जाओ जल्दी से लेकर आ। लाया बॉस। हाँ लीजिए। चल दे चल दे। आया आया। हाँ रख। ये लो भाई। ए मिक्स कौन करेगा तेरा बाप? हाँ डालो। हर कोई बोतल के नीचे मारता है, तू ऊपर मार रहा है। जा रहा है। हाँ बॉस ये ऐसे ही करता है, जरा वेट करो। बॉस जरा रुको रुको, देखते रहो क्या करता है ये। आगे देखो। ऑल द बेस्ट। एक मिनट, एक पैग, एक ही पैग, लास्ट लास्ट बचा है। बॉस जरा सब्र करो। अरे भाई ये टेबल मेरा है और ये बार भी मेरा है, या जो कुछ भी है वो मेरा है। अरे भाई मेरा है, जिसको जो करना करो लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो सर। भाई ये कैसा आदमी है रे, पीकर टाइट हो गया यहीं। ऐसा नहीं है बॉस, ये ऐसा ही है। तुमको लगता होगा कि इसको होश हवास नहीं है, लेकिन वो अंदर अपने माइंड में तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। अब समझो तुम्हारा काम हो गया। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसी बात है, सोचने दे सोचने दे सोचने दे। ठीक से सोचो, ठीक से सोचो। अरे तुम चलो बॉस। यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा है, मेरा है। ए, तुम लोग क्लास में नहीं आ रहे हो क्या? हाँ विकी तू चल, आते हैं हम लोग। ठीक है। माँ, हेलो। विकी, तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है। ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है माँ? तुझे ये सुनकर बहुत खुशी होगी। अच्छा माँ, तो बताइए ना फिर। विकी, कावेरी ग्रामीण बैंक के इलेक्शन में तेरे पापा बम्पर वोटों से जीते हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, तो सबसे पहले मैं पापा को कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा, हम सब तेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ठीक है विक्की।
तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ क्या? बस हो गया है। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। हाँ आता हूँ अभी आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। जय हो माँ, ये लीजिए, भगवती आपका भला करेंगी। माता का आशीर्वाद है पंडित जी। देखो रामे गोड़ा, कल तक तो बैंक का अध्यक्ष मैं था, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद अभी से ही अध्यक्ष पद पर तुम हो। माता के आशीर्वाद के साथ और सदस्यों के समक्ष मैं बैंक की चाबियां तुम्हें सौंप रहा हूं। आज के बाद से बैंक की हर जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही होगी। क्या कहते हैं आप लोग? ये लो, मुझे आपका आशीर्वाद, लोगों का प्रेम और साथ में सबका भरपूर सहयोग भी चाहिए। आइए आप भी बैठिए ना। नहीं, मुझे जाना है। शायद इन्हें कोई जरूरी काम होगा। हे दर्शन। ओ हाय। हाय। बोलो क्या बात है? मेरे लिए एक फेवर करोगे? हाँ बताओ। ये बुक विकी को दे दोगे? अगर उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे एक तरफ खुशी हो रही है और दूसरी तरफ डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा, डर सा लग रहा है। अरे क्या हुआ इसे? क्या हो गया? क्या बात है? अरे विद्या। अरे यार सबके सब बिजी लग रहे हैं बहुत। हे हाय ब्रो, और क्या चल रहा है? और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया। और कैसे हो तू? हाँ, मस्त मस्त। क्या हुआ, अकेले अकेले मुस्कुरा रही है? अरे बताना क्या बात है। अरे यार विद्या ने तेरे लिए नोटबुक भेजी है, देख। मेरे लिए? हाँ। अच्छा। भाई देखना फोटो कैसी है। बताना विद्या। प्लीज विद्या बताओ ना। विद्या प्लीज। विद्या बताओ। बताती हूँ बताती हूँ। मुझे किसी से बहुत प्यार हो गया है। कौन है वो? इस नोटबुक में तो कविता लिखी हुई है। क्या हुआ? काफी अच्छी भी है। अगर उसने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर जरूर बताऊंगी। इसका मतलब तूने उसे प्रपोज कर दिया? हाँ, उसके लिए मैंने एक सुंदर सी कविता लिखी है। क्या लिखा है विद्या? बताओ ना प्लीज। बताओ ना। बताओ ना विद्या। सुनाओ ना कविता। विद्या बताती हूँ। मेरा मन तुम्हारे लिए मचल सा रहा है। वाह वाह। मेरा मन तुम्हारे लिए मचल सा रहा है। क्या बात है। मेरे सपनों की कविता में सिर्फ तुम ही तुम हो। सुपर सुपर। मेरे मन की दुनिया में बस तुम ही तुम हो। अब तो मुझे अपने आप पर शक सा होने लगा है। मुझे पता नहीं क्यों बदल सी गई है अब ये लड़की। लड़की ना? तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ और वक्त बिताना चाहती हूँ। तुमसे झगड़ना चाहती हूँ और प्यार करना चाहती हूँ। वाह वाह क्या बात है। बार बार मेरी आँखें तुम्हें देखने को तरसती और मेरी आँखें बस तुम्हें देखने को तरसती है। बस तुम्हें देखने को। वाओ क्या बात है। वाओ सुपर। सच में यार बहुत बढ़िया कविता लिखी। फिर से सुनाना। तू देख रहा है लड़की ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए इस सुंदर सी कविता का सहारा लिया है। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा भाई। तेरे कहने का मतलब क्या है? तो क्या वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करेगा? 100%। विकी वो तुझसे सच में प्यार करती है यार। वो तेरे प्यार में दीवानी हो गई है भाई। सही कहा ना? देखो देखो कैसे शर्मा रही है। यार पता नहीं क्यों मुझे उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। देख यार वो कम से कम मैसेज तो भेज सकती थी ना। अब टेक्स्ट मैसेज भेजने में इतना समय तो नहीं लगता ना यार। हाँ यार इसकी भी बात सही है, लेकिन देख भाई उसके पास तेरा नंबर तो है लेकिन उसने तुझे कॉल नहीं किया। अरे यार वो फेसबुक पे रिक्वेस्ट तो भेज सकती थी और ये बात फेसबुक पे भी बोल सकती थी। मुझे लगता है ये कुछ स्पेशल मामला है दोस्त। या मुझे लगता है तुझे उसके पास जाकर बात करनी चाहिए यार। अच्छा कल वो मुझे कहाँ मिल सकती है? कल शुक्रवार है तो इसका मतलब ये वो कल मंदिर में जरूर मिलेगी। ओके
तो फिर कल मैं भी मंदिर जाके मिल लेता हूँ उससे। वो भी आएगी वहाँ। छोटे स्टॉक पहुँच गया क्या? हाँ बॉस पहुँच गया है। ए भाई सुनो। हाँ? एक 90 विस्की देना। ए, पहले पुराना पैसा चुकाओ। पुराना हिसाब? हाँ पुराना हिसाब। हाँ। ना ओके ठीक है। ये लो पुराना हिसाब पूरा हो गया। हाँ। एक फुल बॉटल उसकी दो। हाँ। और 500 रुपया टिप रख लेना। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये पैसे कहाँ से आया? ये सब जाने दो, पहले मेरी बॉटल दो। ये लो। ओके थैंक यू भाई, जो मैंने टिप दिया उसे मजे करो। जाओ वैस करो। हर दिन तो ये उधार पी कर जाता है, आज इतने पैसे कहाँ से ले आया? ओहो। तो आपको किसी पर शक है क्या? मुझे किसी पे शक कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? ये चोरी तो मेरे अध्यक्ष बनने के बाद हुई, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। मैं तो लोगों का सामना करने के लायक भी नहीं रहा। अब मैं लोगों के सवालों का क्या जवाब दूंगा बताइए? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रामेगौड़ा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कैसे भी करके चोर को पकड़ लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या बात है कृष्णा, बार में किसी ने लफड़ा किया क्या? तुम बस कंप्लेंट लिखवा दो, मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा। कंप्लेंट नहीं है सर, फिर बैंक रॉबरी की बात है। ऐसी बात है, बैठ के बताओ। नमस्कार साहब। बताओ तुम बैंक के बारे में क्या बता रहे थे? सर कावेरी बैंक का वॉचमैन हर दिन मुझसे उधार मांगकर दारू पीता था, लेकिन कल रात को उसने मेरा सारा उधार चुका दिया और पैसे देकर फुल बॉटल लेकर गया सर। इसीलिए मुझे उसके ऊपर थोड़ा शक हो रहा है। उसके पास बहुत सारे पैसे थे सर, यही बताने के लिए मैं आया हूँ सर। सुनो कृष्णा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम उस वॉचमैन को अरेस्ट कर लेंगे। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप जल्दी उस चोर को पकड़ लें और लोगों के बीच मेरी इज्जत बचा लें। जोड़ो मुझे। अरे जोड़ो मुझे, यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने क्या किया? जोड़ो। अरे यहाँ क्यों लाए मुझे? इधर आ, इधर आ। नाम क्या है तेरा? आनंद है सर। सही से खड़े रहे। खड़ा था हूँ सर। नाम क्या बताया? आनंद। काम क्या है तेरा? बैंक का वॉचमैन। कौन सा बैंक? कावेरी बैंक। इनको जानता है तू? जानता हूँ सर। कौन है ये? वाइन शॉप का मालिक है। वाइन शॉप के मालिक है? तूने एक ही दिन में उधार के 2000 रुपए चुका है। कहाँ से लाया तू पैसे? मेरी पगार मिली थी सर। कितनी? 4000 सर। अरे अरे सर इतना मत मारो, कमजोर हूँ बहुत। दे दिए। सच बता इतने पैसे कहाँ से लाया तू? घर वाली भी कमाती है सर। सच बता नहीं तो अंदर डालकर चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं नहीं सर मैं सच सच बताता हूँ। बैंक पे क्या हुआ बता? सर बताता हूँ सर। बोल। बताता हूँ सर, मैं रोज की तरह नाइट ड्यूटी कर रहा था सर, और मैंने थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी सर। फिर दो लोग आए सर, मैं उनको नहीं जानता था सर। फिर मुझे पता चला कि वो राजी घोड़ा और उसका चेला है। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मुझसे बैंक की चाबी ले ली, और वो अंदर चले गए सर। यही हुआ था सर उस दिन। रामे घोड़ा अब पता चला मामला क्या है। अब आप बिना चिंता किए अपने अपने घर जाओ। अब तक तो लोग बैंक के पास जमा भी हो गए होंगे और रामे घोड़ा पर आरोप लगा रहे होंगे और उसकी छी थू थू ऐसे सब उस पे थूक रहे होंगे। अरे काशी, ये सब सुनने से तो अच्छा है कि मैं ये सब अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। वो सब देखकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इसीलिए मैं आपको बुद्धिहीन कहता हूँ। बुद्धिहीन? ऐसा क्यों कहता है तू? अरे अगर हम पर किसी को शक हो गया तो? हाँ? जो सच है फिर वो सबको पता चल जाएगा। अरे लगता है बैंक वाले पूछताछ के लिए हमारे पास आ रहे हैं। जा दरवाजा खोल जल्दी। गौड़ा जी घर पे है? हाँ है। कौन आया है काशी? इंस्पेक्टर साहब आए। आइए आइए आइए। अरे 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 अरे, मेरे यहाँ कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने फार्म हाउस में हूँ? हमारा डिपार्टमेंट बहुत तेज है,
कौन कब कहां कैसे क्या क्या करता है हम सब कुछ पता लगा लेते हैं। अच्छा तो यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। हाँ? तलाशी मेरे घर की? क्यों इंस्पेक्टर, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तुमने एक गलती की है और मेरे पास उसका गवाह भी है। ए तुम सर। और तुम जाके तलाशी लो। यस सर। सर इस रूम में कुछ भी नहीं मिला सर। ये रूम भी पूरा खाली है सर। तुमने सुना ना इंस्पेक्टर, तुमको पता है मैं कौन हूँ और मेरा लेवल क्या है, इस गांव में मेरा रुतबा क्या है। तलाशी लोगे? तलाशी? हैं? क्या है ये, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? गुड़वा क्या जरा खड़े हो जाओगे? अरे ये क्या झंझट है। तुमने सब कुछ गद्दे के नीचे छुपाया है और मासूम बन रहे हो। अरे बाप रे, पकड़े गए। गोड़वा तुम रामे गौड़ा को बुरा भला कह रहे थे और मैं बड़ा इज्जतदार आदमी हूँ ऐसा कह रहे थे, अब ये सब क्या है? कोई भी इज्जतदार आदमी ऐसा काम करता है जैसा तुमने अपने लोगों के साथ किया है। कॉन्स्टेबल्स इनको और पैसों को हिरासत में ले लो, पंचायत में चलो, तुम्हारा फैसला वही होगा। आओ। इतने सालों में पहली बार ऐसी घटना सुनने को मिली। बैंक में चोरी करी है, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है भाई। कमी थी। सही कह रहे हो। लेकिन दाड़े बैंक में चोरी? सही कह रहे हैं आप। शुरू करें क्या? हाँ शुरू करते हैं। देखिए भाइयों, बैंक में जो चोरी हुई थी वो सारे पैसे और गहने राजीव गौड़ा के घर से बरामद हुए हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर लाए हैं। अरे तुमने चोरी क्यों की? इसने ये इसलिए किया होगा ताकि रामे गौड़ा बेइज्जत होकर अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे। सही कहा ना मैंने? पिछले अध्यक्ष को यहाँ सबके सामने अपनी गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। सही कहा। देखिए बैंक से जो पैसा चोरी हुआ हमें वापस मिल गया है, इसीलिए ये कोर्ट कचहरी और केस के चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे गांव का नाम खराब होगा। राजीव गौड़ा भी हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं और साथ में मेरे संबंधी भी हैं। अब जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं, इसीलिए इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग बताइए। लेकिन राजीव गौड़ा को रामे गौड़ा से माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो पुलिस को इसे सबक सिखाना चाहिए। मालिक जी आप उन लोगों से माफी मांग लो, नहीं तो फिर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ए रामे गौड़ा, मैं बस इसलिए माफी मांग रहा हूं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, लेकिन आज से और अभी से हमारे बीच के संबंध, भाईचारा और प्यार खत्म हो जाएगा, समझ गए ना? अपनी कामनाएं पूरी करना, मुझे अपना आशीर्वाद दो माँ। विद्या, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। कल मैंने वो क्या है कि कल तुमने क्या? अरे कैसे कहूँ यार, प्रसाद दोनों। हाँ ये लो। हाँ कुमकुम लगाना तो भूल ही गई।
मेरा मन तुम्हारे लिए मचल रहा है। मेरा मन तुम्हारे लिए मचल रहा है। मेरी मन की इस दुनिया में तुम ही भावना हो। मन की इस दुनिया में भावना तुम ही हो। अब तो मुझे अपने आप पर शक सा हो रहा है। मुझे खुद नहीं पता मैं बदल गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, झगड़ा करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहती हूँ, बार बार, हर बार, बार बार मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरसती हैं। बस तुम्हें देखने को तरसती हैं। बस तुम्हें ही देखने को, तुम्हें ही देखने को। बार बार, हर बार। I love you, Vicky. I love you too, Vicky. Fantastic. Super, super. Bombard. साउंड कैसा है? हाँ, वो कुछ नहीं, आप तब से मुझे देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो मैंने सोचा आखिर क्या बात है कि ऐसे देख रहे हो। मुझे सब दिख रहा है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है गंजे। दरअसल इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर और हॉट हॉट लड़कियों की फोटोज हैं, और मैं तुम्हारा अकाउंट ओपन करके तुम्हारे लिए एक मस्त सुंदर हॉट सी लड़की सेट कर रहा हूँ। ये क्या है, एयरपोर्ट पर चेक करते हैं ऐसे, मुझे क्यों चेक कर रहे हैं आप? मुझे ना कुछ कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है? हाँ, क्यों नहीं होगा, कुछ कुछ तो होगा ही ना। तुम्हारी छत उजड़ी पड़ी है, हाथों में रेखाएं नहीं है, और तो और तुम्हारे पैजामे में नहीं, नहीं, नहीं। बस हो गया, हो गया, उसमें दम है, दम है। अच्छा, अब तुम मेरे जैसे ही करना। हाँ, ठीक है। दाहिना हाथ उठाओ, अब बायां उठाओ, अब दोनों को ऐसे घुमाओ, अब उल्टा घुमाओ, अब जरा कमर लचकाओ, 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 अब ऐसे ऐसे लचकाओ, लचकाओ, अब झटके मारो, हाँ झटके मारो, ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ हाँ, और अब डांस करेंगे। ला 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 लो 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 लो। अरे तुम तो अभी से थक गए गंजे, तो चौके छक्के कैसे मारोगे? अपना लैपटॉप दिखाओगे क्या? लैपटॉप देखना है? बैठो, आ जाओ बैठो। अरे रुको, उम्र है 18, उसका साइज है 36, कमर है 26, और दिखने में बहुत ही हॉट है, और मैं उसे तुम्हारे लिए सेट कर देता हूँ। ठीक है, चलता हूँ।
ओहो, ग्रेनेड किंग राजीव गौड़ा। ये सब तुम्हारी बदौलत है शंकरनाथ। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। लक्ष्मी हा? देखो कौन आया है, राजीव गौड़ा। अच्छा, दो स्ट्रॉन्ग कॉफी बना कर ले आओ। हाँ, लाती हूँ। और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, तुम खरीद रहे हो और मैं बेच रहा हूँ। बेच रहे हो, इसीलिए तो मेरा बिजनेस चल रहा है। भैया कॉफी आप भी लीजिए। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और भाभी कैसी हैं? वो भी अच्छी है, बैठो ना। मैं खाना बनाती हूँ, आप आए हैं तो खाना खा के जाइएगा ना। क्यों नहीं। राजू गोड़ा, मुझे एक बात कहनी है। क्या? मैं एक नई कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ और तुम उसके पार्टनर रहोगे, मना मत करना। अरे अरे, कैसी बात कर रहे हो? ऐसे मौके के लिए दुनिया में कौन मना करेगा? तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनना तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। थैंक यू वेरी मच। राजीव जी, ब्लैक ग्रेनेड की फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड है। अच्छा, हम बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके सप्लाई शुरू कर दीजिए। मैंने पहले ही 10 एकड़ जमीन खरीद ली है और ऑफिशियली उसका जियोलॉजिकल सर्वे भी करा दिया है, और उन्होंने कहा कि उसमें हाई क्लास ब्लैक ग्रेनेड है। मैं वहां से निकालूंगा और तुम्हें सप्लाई कर दूंगा, बस। सुपर। हाय अंकल, नमस्ते। नमस्कार। अरे अरे अरे, बैठो। क्या कर रहे हो बेटा? फाइनल ईयर अंकल। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? और क्या होगा, एक बार डिग्री मिल गई तो मेरी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा और फिर उसके बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करके मेरी जिम्मेदारी खत्म। अच्छा, तो लड़की फाइनल की क्या? अभी नहीं, लेकिन अब देखनी पड़ेगी। मैं अभी आता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ ये लड़की कैसी रहेगी? विजय। हाँ डैड। ये लड़की कैसी है? बहुत सुंदर है डैड। तेरे लिए ओके है ना? डैड, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैं कभी आपके खिलाफ जाता हूँ? कौन है ये लड़की? ये तो बहुत सुंदर है। बताता हूँ गौड़ा। मेरे बेटे को ये लड़की बहुत पसंद आई है, और वैसे भी वो कभी मेरी बात को नहीं टालता। बस तुम आगे की बात बढ़ाकर एक अच्छा सा मुहूर्त देखो। अरे समझो, शादी हो गई, अब तो बस शादी के कार्ड छपेंगे और उनको बांटेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया है राजीव गौड़ा को? पहले कितना अच्छा इंसान था, इस बेकार की राजनीति ने हमारे संबंधों को बर्बाद कर दिया। हे भगवान, अब तुम ही कोई सही रास्ता दिखाओ। एक समय था जब हम दोनों मिलकर खाना खाया करते थे, एक दूसरे को खिलाते भी थे और खूब प्यार भी बांटते थे। कितने खुश थे तब हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं रहे। हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। रामे गौड़ा और राजीव गौड़ा के बीच की दोस्ती दूसरों के लिए मिसाल हुआ करती थी। हम दोनों ने एक दूसरे की बहनों से शादी की, और जब मेरा बेटा हुआ तो उसने भी यही कहा कि वो मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से कराएगा, और उसने मेरे बेटे के नामकरण के दिन खुद ही मेरे बेटे का नाम भी रखा। मेरे बेटे के नामकरण के दिन मुझसे कहीं ज्यादा खुश वो नजर आ रहा था, और उस दिन के विधि विधान के बाद उसने ही मेरे बेटे का एक नाम भी चुना था। बहनोई जी, मेरे बेटे के लिए एक अच्छा नाम चुनना है आपको। अच्छा नाम? ठीक है। बहनोई जी, क्या नाम चुना आपने? विक्रम। वाह, कैसा है नाम? बहुत बढ़िया नाम। बहुत अच्छा नाम है ना दीदी? हाँ बहुत अच्छा है। ये बहादुर है, बहादुर। देखे। हमारे बीच इतना अच्छा संबंध था, भगवान जाने किसकी नजर लग गई, सब कुछ खत्म हो गया। अरे आपको पता है आज क्या हुआ? सुनिए, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे क्या बैठे बैठे सोच रहे हैं, खाना क्यों नहीं खाया? सुनिए सुनिए, अरे क्या बात है जी? नहीं कोई बात नहीं है।
बस ऐसे ही पुराने दिनों की याद आ गई थी। आज तुम्हारे भाई ने बैंक का पैसा चुराया ताकि मेरी बेइज्जती हो जाए। लेकिन तुम्हारा भाई बुरा आदमी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसे अच्छे से जानता हूं। ये जो अध्यक्ष का पद है ना, इसने ही हमारे बीच के रिश्ते को खत्म कर दिया है। इस राजनीति से बुरा दुनिया में कुछ भी नहीं। हमने एक साथ स्कूल में पढ़ाई की, एक साथ पास हुए, एक ही मंडप में हम दोनों ने शादी की, लेकिन इस छोटी सी बात ने आज हमारे पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। सुनिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी और सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। आप प्लीज खाना खा लीजिए, खाना खाइए ना। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। हेलो, क्या हुआ माँ? विक्की, तू कैसा है बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है माँ? आप मुझे परेशान सी लग रही हैं। माँ आप बता क्यों नहीं रही हैं? विक्की, तेरे पापा आजकल बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। हम बेंगलोर आकर ही तुझे सारी बात बताएंगे बेटा। लेकिन माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। मैंने कहा ना कि तुझसे मिलके ही बताऊंगी। माँ, आखिर बात क्या होगी? माँ इतनी दुखी क्यों है? ओ लड़की सुपर है, कमाल की है। ब्यूटीफुल। अगर ये लड़की तुम्हारे लिए सेट करनी है तो पहले तुम्हें चेंज होना होगा, तुम्हारा पूरा गेटअप चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा, तुम्हें बताओ ना भाई। क्या करना है? एक पौधे को खाद देकर, पानी देकर फिर से हरा भरा करना है। ये पेड़ पौधों से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो एक क्वार्टर में कितना पैग होता है, इतना ही पता है। अरे गंजा, क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक मुर्गी को अंडा देकर उसे सेक कर चूजा बनाने में वक्त लगता है, और तो और चावल के पकने में भी वक्त लगता है, पैसे कमाने में भी वक्त लगता है, पेग मार के नशा चढ़ने में भी वक्त लगता है। और ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हारे इस उजड़े चमन को फिर से हरा भरा करने के लिए थोड़ी खाद लगानी होगी। अब यह संभव नहीं है, मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाओ। इसमें भी टाइम लगेगा। फिर भी नहीं आएंगे। आएंगे? नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। अरे कैसे आएंगे? ए शट अप, आंखें बंद करो। क्यों? मुंह बंद करो। पहली बार जब आया था तो टाइट होकर सो गया था, दूसरी बार आया तो मेरे पैसे उड़ा गया, इस बार ये क्या नया खेल खेलेगा भगवान। ये हुई ना बात, अब तुम एक नए नवेले दूल्हे जैसे लग रहे हो, ठीक है ना?
अब तुम अगर मेरी कंडीशंस को मानते हो तो मैं भी जल्दी से तुम्हारा अकाउंट खोल दूंगा। अच्छा? ये तो मेरा ही अकाउंट खोलने लग गया, लगता है पिच पे खेल लेगा। यही बात है बेटा, तेरे मामा ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया और मेरे अध्यक्ष बनते ही उसने मुझे बर्बाद करना शुरू कर दिया। बस इतनी सी बात ना पापा, आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीक में मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं गांव आ जाऊंगा, वहां के मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ अब तो ठीक है ना? हाँ बेटा। सुनिए पापा इधर आइए, यहाँ आइए ना, मैं हूं ना पापा, आप लोग परेशान मत होइए। मैंने कहा ना रास्ता छोड़ मेरा, चल हट। हेलो। हेलो विद्या। हाँ बोलिए। आप विद्या ही हो ना? हाँ। क्या आप विकी को जानती हैं? हाँ। उसके सर पर काफी चोट आई है। ये सब कब हुआ? मैं नहीं पता मैडम, वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी से आ जाइए। ठीक है मैं अभी पहुंचती हूँ। विकी नाम से कोई एडमिट हुआ है, कहाँ पर है वो? थर्ड फ्लोर पे। ओके थैंक यू। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। नहीं, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच कह रहा हूं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मुझसे प्रॉमिस करो, मैं
मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकती विकी। दरअसल बात यह है कि मैं बाइक से जा रहा था, रोड पे कुछ लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे सर पे जोर से मारा, और कुछ नहीं। अरे क्यों रो रही हो? 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, रो मत। अब तो हंस दो। इन 3 दिनों तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ओके ना? ठीक है, जैसा तुम चाहो। विकी, अब दर्द कैसा है? कोई दिक्कत नहीं, बस हल्का सा दर्द है। रात को ठीक से सोए ना? हाँ। और तुम? हाँ, मैं भी। चाय लाई हूँ, दो क्या? अभी नहीं। अरे गरम गरम है। दे दो। तुम भी पियो ना। नहीं नहीं, तुम पियो ना। कोई बात नहीं, इसी में से ले। नहीं, तुम पियो। लो ना। ये क्या है यार, इतना टाइम हो गया, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया। वो आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। अरे यार, वो आएगा बॉस। क्या बकवास है ये? अरे वो आता ही होगा, चलो जाओ, टेंशन मत लो। अरे देखो बॉस, वो आ गया। हाँ तो ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुमने ये परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा अकाउंट खुल गया, समझो। ना तो अब क्वेश्चन नंबर 1, ये बार किसका है? मेरा है। अरे नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा है। बोला ना, मेरा है। मेरा है तो फिर तुम फेल में चलता हूँ। रुको रुको, आगे बोलो ना, तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 2, तुम ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारी शादी कहाँ होगी। लेकिन क्यों? देखो मैं चला जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 3,
तुम उसी लड़की से शादी करोगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है ना? पहले तुम लड़की को दिखाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। अरे अरे, इसका कुछ नहीं होने वाला, मैं चलता हूँ। अरे रुक जाओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम जो भी लड़की दिखाओगे मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, तुम जीत गए। अब एक सच बात बताऊंगा। अब क्या हुआ? तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा रहा हूँ, ठीक है? हाँ बोलो बोलो। हाँ, ओके ओके ओके। अब तुम मेरे दामाद हो। अब ऐसा करो, एक मिनट, मेरी बेटी की फोटो देखो, अच्छे से देखो, कैसी लगी? अरे 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 अरे, सुपर है यार, इस पर प्यार आ रहा है। मुँआ। 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 लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी बेटी से मेरे बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। और एक बात, तुम उसे कभी भी अपना ये गंजा सर नहीं दिखाओगे, समझे? हाँ बोलो। ओके ओके। अब तुम मेरे ससुर हो। मेरे साथ अपना अकाउंट क्यों खोल रहे हो? ए, ये मेरी फियोंसे है, आज के बाद इसके साथ घूमना और बातें करना बंद। चलो डार्लिंग, कार से चलते हैं। ए, मेरी मर्जी के बिना तेरी फियोंसे कैसे हो गई? छोड़ मेरा हाथ। जरा गाड़ी रोकना। किस लिए? बताती हूँ, रोको तो सही। ठीक है। विक्की, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ, कोई इम्पोर्टेंट बात है क्या? हाँ, हमारे एग्जाम्स हो गए हैं ना, तो पापा का फोन आया था, उन्होंने मुझे गांव बुलाया है। दरअसल मुझे भी मेरे गांव जाना है। किस लिए? दरअसल मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने बताया कि गांव में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। कुछ दिन उनके पास रहूंगा,
तो उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ओह अच्छा, इसका मतलब तो फिर हम मिल नहीं पाएंगे है ना? हाँ शायद नहीं। क्या जलेबी है कितना राउंड राउंड है, बहुत मजा आएगा। इस गोल गोल के बीच में मेरी रानी, मेरी गोल मटोल रानी आ गई, मेरी गोल मटोल रानी आ गई। ये क्या तुम खाली हाथ क्यों आ गई? आज की रात तो तुमको दूध का बड़ा सा ग्लास लेकर आना चाहिए था। वो सब छोड़ो, कम से कम एक कप चाय लेकर तो आ जाती। मैंने तो बहुत कुछ लाने का सोचा था जी, लेकिन पापा ने कहा कि जल्दी जाओ ना, आप वेट कर रहे हैं मेरा, बस इसीलिए मैं चली आई खाली हाथ। दूध तेरे बाप का पैदा मारूं? ए, शादी की बची खुची मिठाइयां यहां पर भेज दी और दूध का पैसा बचाने के लिए वो कमीना नाटक कर रहा है। न, 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 मेरे हाथ लग गया ना, छोड़ो उस हरामखोर को। मेरी रानी रानी, मेरी रानी गोल मटोल, मेरी गोल मटोल। रानी तुम्हारे लिए मैं मैसूर पाक लेकर आया हूँ। अरे मेरे पापा इसे किराए पे लाए हैं जी, इसे खाना नहीं है, कल इसे हमें वापस करना है। इसे रहने दो। जलेबी? हाँ जी, ये भी किराए पे लेके आए हैं, इसे भी वापस करना है। ये भी किराए का है? अच्छा अब तुम एक बात बताओ, ये जेवर ओरिजिनल है कि ये भी किराए के हैं? अरे क्या है कि औरतों को बहुत ज्यादा जेवर नहीं खरीदने चाहिए, इसीलिए मैं ये जेवर शांता से लेके आई हूँ जी। ये साड़ी? साड़ी ये तो हमारे पड़ोस वाली आशा की है जी। ये बात है, ये बताओ तुम ओरिजिनल हो कि तुम भी डुप्लीकेट हो? ए जी मैं तो ओरिजिनल ही हूँ जी। बाप रे, वो सब तो ठीक है, तेरा बाप शादी के लिए वेडिंग हॉल लिया था, वो वेडिंग हॉल भाड़े का है कि वो भी? आप अभी भी नहीं समझे क्या? यहाँ किसी और की शादी हो रही थी, इसीलिए जब उसकी शादी का मुहूर्त हुआ तभी हमारी शादी भी करवा दी गई। अरे रे, तेरे बाप की ऐसी तैसी। अरे रे, कैसे आदमी के चक्कर में फंस गया? आपकी फसल तो उजड़ गई है जी। हे भगवान, क्या हुआ? पापा ने टकले से शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रो क्यों रही है तू? अगर मैं गंजा हुआ तो क्या हुआ, मैं हर साल तेरी गोद में एक बच्चा दे सकता हूँ। आजा मेरी जान। विद्या? हे विक्की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मेरा गांव है। अच्छा? हाँ। यहाँ काफी भीड़ है, हम लोग कहीं और चलते हैं। ठीक है। वहाँ मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। अच्छा ये बताओ, इतनी दूर कैसे आना हुआ? अरे दूर नहीं, मेरा गांव तो यहीं पास में है, यहाँ से 1 किलोमीटर। बस 1 किलोमीटर? नाम क्या है? भूपनहली। भूपनहली? हाँ। मैंने तो तुम्हें वहाँ कभी नहीं देखा। क्या है कि मैं बचपन से ही अपनी आंटी के पास ही रहती हूँ। जब कॉलेज ज्वाइन किया तो पापा ने शहर में मेरे लिए एक घर खरीद लिया और एक मेड भी रख दी थी। मैं यहाँ बस कभी कभी हॉलीडेज पर ही आती थी, मम्मी से भी बस फोन पे ही बात होती थी, जब मिलना होता था तो वो खुद ही आ जाती थी। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? राजीव गोड़ा, वो बहुत फेमस है। राजीव गोड़ा? हाँ। इसका मतलब ये हुआ तुम मेरे मामा की लड़की हो? हाँ, और तुम मामा के लड़के विक्रम। विकी, पता नहीं तुम्हें याद भी है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती।
जब मैं छोटी थी तब मेरे पैर में चोट आ गई थी, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैं मंदिर जाना चाहती थी, तुमने मुझे अपनी पीठ पर बिठाया और मंदिर के दर्शन कराए और मुझे पूरे मंदिर की परिक्रमा भी करवाई। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मैं बहुत खुश हुई। खेलते समय मैं तुम्हें गेट के पास लेकर जाती थी और आसपास की जगह दिखाती थी। वो सब कितना अच्छा था। फिर हम बॉल भी खेलते थे। वो सारी पुरानी यादें कितनी अच्छी थी ना। और जब हम खेल खेल कर थक जाते थे तो हम उस बेंच पर बैठकर एक दूसरे को चिप्स खिलाते थे। तुम मुझे खिला देते और मैं तुम्हें खिलाती थी। हेलो। अच्छा सुनो। बोलिए सर। पेपर में तुम्हारा नाम छपा है। मैंने कहा भी नहीं, फिर भी उन्होंने छाप दिया सर। अरे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना, ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने? आप पे भरोसा है सर, आप हैंडल कर लेंगे। अरे तुम मुझ पे भरोसा करके क्यों कूद रहे हो? देखो अब ये सब मत करो तो ही बेहतर है। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके। माँ, माँ, विक्की, क्या बात है बेटा? बहुत खुश लग रहे हो। हाँ बताओ विक्की, क्या खुशी की बात है? आप लोग को पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ हमें भी बताओ। आज मुझे यहाँ मेरे कॉलेज की एक लड़की मिली और वो इसी गांव की है और उसका नाम विद्या है। और शॉकिंग न्यूज़ पता है क्या है? क्या है शॉकिंग न्यूज़? वो हमारी रिश्तेदार है। माँ पता है कौन है वो? आपके भाई राजीव गोड़ा, उनकी बेटी। माँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। विकी बस कर बेटा। नहीं बेटा। एक शब्द भी मत बोलना। उसे भूल जा बेटा। और उससे दोबारा मिलना भी मत। हाँ बेटा। माँ अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा और इस बारे में मैं मामा से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। विक्की बेटा मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी माँ जो कह रही उसे मान जाओ बेटा। देखिए पापा इस बारे में मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। विक्की मेरी बात सुनो बेटा। मामी मामा। तू कब आया विक्की? यहाँ क्यों आया? मैंने कहा था ना कि तेरे परिवार से हमारा कोई नाता नहीं है, जा यहाँ से। बच्चे से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? कभी कभार तो वो आता है। अगर तुम ये रीति रिवाज और आदर्श मुझे सिखाओगी तो तुम भी इसके साथ चली जाओ। भेजो इसे यहाँ से। ओके 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 मैं चला जाऊंगा, लेकिन इतना चिल्लाइए मत। मुझे आपसे बात करनी है इसीलिए आया हूँ। अच्छा क्या बात करनी है ये तो बता। आप चाहते हैं कि मेरी शादी विद्या से ना हो? बचपन में वादा क्यों किया आप लोगों ने? बचपन में आप ही लोगों ने तो शादी तय की थी। वो तब की बात थी, लेकिन अब मेरी बेटी की शादी किसी और लड़के के साथ होगी। ये आपका भ्रम है। चाहे कुछ भी हो जाए विद्या का पति मैं ही बनूंगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए, याद रखिएगा। और हाँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर नमस्कार। सर हाँ बोलिए। मैं राजीव गौड़ा बोल रहा हूँ। मुझे पता है आप बोलिए। सर कल मिलते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा
मिलकर बात करते हैं सर। ओके ओके, यू वेलकम, बाय। तेरी मेरी जोड़ी, जीवन जैसे एक बैलगाड़ी, मैं और तुम एक जोड़ी, जीवन जैसे एक बैलगाड़ी। अरे रे रे, कहाँ है यहाँ बैलगाड़ी? यहाँ तो सिर्फ पहिए खड़े हैं। ये भी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? सुनो, ये तो पार्क है ना, पार्क में तो सब डुप्लीकेट होता है ना। सुनिए, आपसे शादी करने के बाद ना मैं तो धन्य हो गई जी। ऐसे क्यों कह रही हो स्वीटी? पहले आपके टकले होने की वजह से आपको नजरअंदाज किया ना, लेकिन आप तो बहुत रोमांटिक है जी। रानी, मैंने अपने बाल ऐसे ही नहीं गवाए हैं, मेरे अंदर कूट कूट कर रोमांस भरा हुआ है। मतलब मैं समझी नहीं जी। ओहो, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रानी, अभी हम लोग यहाँ पर हनीमून के लिए आए हैं, पहले उसको पूरा करते हैं। रानी, आपकी स्पीड देख के मुझे बहुत डर लगता है जी। क्यों डर लग रहा है तुमको? मुझे तो डर लगता है जी, कहीं घर पहुंचने से पहले आप एक बच्चा ना दे दें। सिर्फ एक ही नहीं, जुड़वा बच्चा दूंगा। चीयर्स। शंकर जी, मैंने अपने घरवाली से बात की है। रो मत बेटी, रोने का कोई फायदा नहीं है बेटी। तेरी शादी बस उसी से होगी जो तेरे भाग्य में लिखा होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये बात अच्छे से समझ ले। पापा से कम आप तो बात कर सकती थी ना, आपने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे पता है आपने पापा की बात को ऊपर रखा है, वो बहके हुए हैं, उन्होंने मुझे कितना टॉर्चर किया है आपको पता है ना। ये शादी करने से अच्छा तो मैं मर ही जाती। ऐसा मत कहो बेटी, तू अपनी माँ का दर्द कभी नहीं समझ पाएगी। भगवान तेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। आपको होगा, लेकिन मुझे अब नहीं रहा। मेरी इंगेजमेंट हो गई और उसने कुछ नहीं किया, अब पापा मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन आप अपने भगवान के भरोसे बैठकर बस रोती रहना, लेकिन पूरी जिंदगी दर्द मिलेगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा कर बेटा। विद्या, चलो मेरे साथ चलो, डरने की जरूरत नहीं है। चलो। शर्म नहीं आती तुमको? तू है तुम लोगों पर, उसे बचकर कैसे जाने दिया? जाओ पकड़ो उसे, जाओ जाओ जाओ।
सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। दौलत, शोहरत और लड़की जिसको मिलती है वो उसकी हो जाती है, और कोई उसे कितना भी छीनना चाहे छीन नहीं सकता है। मैं रामे गोड़ा का बेटा हूं, एक एक को काट डालूंगा। अरे ये किसका नंबर है, देखिए ना। मुझे तो देखता। हेलो गौड़ा जी, मैं बार का मालिक बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। कोई विद्या को किडनैप करके खदान की तरफ ले जा रहा है। अच्छा, जरा जाकर देखिए। अभी जाता हूँ। छोड़ मुझे, रुक जाओ। भागेगी विक्की। ओए उसे और चला जाए यहां से, चला जा। विक्की,
विद्या वहाँ है। जाइए ना, उसे बचाइए। भैया, विद्या वहाँ है। रुको, मैं जाकर बचाता हूँ उसे। बहन। राबी गौड़ा, राबी गौड़ा, मेरी बच्ची, मेरी विद्या, विद्या, उसे कुछ नहीं, उसे बचा लो। विद्या, 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 बेटी, बेटी, आराम से। विद्या, आजा बेटा, आजा बेटा। विद्या, मैं तेरी भावनाओं को समझे बिना तेरी शादी उससे कर रहा था जिससे तू नफरत करती है। लेकिन ऊपर वाले की महिमा पार है, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई, तुम जीत गई बेटी, तुम सच में जीत गई। रामे गौड़ा, रामे गौड़ा, मेरे पास, मेरे पास आओ। रामे गौड़ा, तुमने सारी दुश्मनी भुला कर हम सबकी जान बचाई, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुका पाऊंगा? ऐसी बातें मत कर, ऐसी बातें मत करो राजीव, तुम्हें आ मेरे दिल में बस लो, मुझे माफ कर दो। बेटी, मैंने कहा था ना कि भगवान कभी गलत नहीं होने देंगे। आज से तुम्हें मेरी बहू बेटी, तुम्हारे पापा ने मुझसे वादा किया था, मैंने तभी से तुम्हें बहू मान लिया था। तुम ही मेरी बहू हो, जाओ उसके पास, जाओ। विजय, विजय, क्या हुआ विजय? क्या हुआ विजय? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? Love you too. वो लड़की कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? विजय, क्या हुआ तुझे? विजय, क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? और ये बात तू मुझसे छिपाकर उस लड़की के साथ शादी करना चाह रहा था? तुझे पता है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रहा था? ए, अगर तू उसे उसके प्यार से अलग करके उससे शादी कर लेता तो क्या वो बेचारी तेरे साथ खुश रह पाती? विजय, क्या वो लड़की तुझे पसंद करती है? तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? जो भी लड़की ऊपर वाले ने तेरे भाग्य में लिखी होगी, उसी लड़की के साथ तेरी शादी होगी। चल बेटा। ए, बंद कर, बंद कर या करना। देख, मैं तुझसे कह रहा हूं, जब भी कोई लड़की तुझसे प्यार करेगी तू उसे मेरे पास लाना, मैं उसके साथ तेरी शादी कराऊंगा। विजय, तेरे पापा जो कह रहे हैं वो ठीक है। चलो अब चलते हैं। हाँ चलिए।